रहा है, इसमें देश भर से पधारे सभी साथियों का व दूसरे देशों से आए उन साथियों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आदिवासी एकता परिषद के जो नौजवान आज से 30 साल पहले इस विचारधारा को लेकर देश में काम करने के लिए निकल पड़े, वो लोग कई साथी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो साथी आज भी काम कर रहे हैं, वो शरीर से जरूर बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उस विचारधारा को लेकर आज भी जवान हैं। ऐसे विचारधारा वाले साथियों को मैं नमन करता हूं, और जितने भी इस पंडाल में आदिवासी विचारधारा को लेकर काम करने वाले तमाम जन संगठन के साथियों से आह्वान करूंगा मैं कि देश के अलग अलग राज्य में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग गांव में आज भी हम मेरी आज इतनी दयनीय स्थिति है कि आज बिजली, पानी और स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा आज भी कहीं गांव में अभी तक नहीं है। जो आदिवासी बचाओ यात्रा लेकर हम अलग अलग गांवों में निकले और अलग अलग इलाकों में हम काम कर रहे हैं, वहां हमें देखने को मिलता है कि आज भी मेरा समाज हजारों हजारों साल से जिस सुविधा से वंचित है, आज भी वो वैसे की वैसे जीवन जी रहे हैं। तो साथियों, युवा जो साथी है उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अभी हम लोग एक होने का समय आ गया है। हम बटकर कब तक रहेंगे राज्य में, जिलों में, देश में, अलग अलग भागों में? तो साथियों, हम लोग जो आदिवासी एकता परिषद के जो हमारे साथी जो वैचारिक आंदोलन भारत देश के कोने कोने में पहुंचा है, ये 30वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता सम्मेलन में ये आज तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, दुनिया तक पहुंचा आदिवासी एकता परिषद की जो विचारधारा वो भी आपके साथ सामने प्रमाण है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस कौम में जन्म लिए हैं उस कौम के लिए इतिहास बन ऐसा काम कर जाए, ऐसा मैं युवाओं से आह्वान करूंगा। और आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में हमारे बड़े भाई आदरणीय सम्मानीय महावीर थराड़ जी व उनकी जो टीम है, नए जो अध्यक्ष साथी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, और कंधे से कंधा मिलाकर इस विचारधारा को देश और दुनिया के कोने तक पहुंचाने में हम लोग संकल्प लेते हैं, और हम सब साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहां जितने भी लोग पधारे बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापन करता हूँ। शुक्रिया, आपकी जय। खूब खूब जोहार।